नमस्कार, जी हिंदुस्तान डिजिटल आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अल्पना। आपके पास आईटीआर भरने के लिए अब काफी कम वक्त बचा है। अगर आप पेनल्टी और आयकर विभाग के नोटिस से बचना चाहते हैं तो समय पर अपना आयकर रिटर्न जरूर फाइल करें। तो चलिए आपको बताते हैं आज आईटीआर भरते वक्त आप किन बातों का ख्याल रखें ताकि किसी भी दिक्कत से आप सीधे तौर पर बच पाए। सबसे पहले जो पॉइंट है वो फॉर्म 16 का है या फिर 16A, जिसको डाउनलोड करें। सबसे पहले आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ये सबसे पहला कदम है कि फॉर्म 16 आप लें। इसके लिए कर्मचारी अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 लेंगे। दरअसल फॉर्म 16 में आपकी सैलरी पर लगे टैक्स के बारे में सारी जानकारी होती है। इतना ही नहीं, उसमें आपकी सैलरी का ब्रेकअप भी मेंशन होता है। अगर फॉर्म 16 में HRA ना हो तो आप उसे ITR फाइल करते वक्त भी दे सकते हैं। हालांकि ये सारी जानकारी अगर आप अपने नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर को दे चुके थे तो फॉर्म 16 काफ़ी आसानी से आप भरकर ITR फाइल कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है TDS और TCS से जुड़ा हुआ, जिसकी जानकारी देनी भी ज़रूरी है और इसको आप अच्छी तरीके से चेक करें। तो आयकर रिटर्न फाइलिंग से पहले 26AS आप फॉर्म ज़रूर चेक करें। दरअसल इस फॉर्म में आपके जो टैक्स की जानकारी है वो होती है। चेक करें कि फॉर्म में जो टैक्स डिटेल दी जा रही है उसमें कोई त्रुटि ना हो, और अगर त्रुटि मिलती है यानी एरर मिलता है तो उसे आप समय पर करेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन ये सेवा तभी आपको मिल सकती है जब आप ITR फाइल करने से 15-20 दिन पहले आप 26AS फॉर्म को चेक करवाएं, क्योंकि किसी भी जानकारी को सही करवाने में कम से कम 7-10 दिन का वक्त ज़रूर लग सकता है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है AIS फॉर्म का, जिसमें इनकम और TDS TCS डिटेल्स इनको चेक करना ज़रूरी है। यानी 26AS चेक कर लेने के बाद अब बारी आती है AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर्म की, जिसके साथ ही इसको मैच ज़रूर करना चाहिए। AIS फॉर्म में ये सारी जानकारी होती है कि आपने साल भर में कौन कौन से कब कब ट्रांजैक्शन किए हैं। इसमें ये भी मेंशन किया जाता है कि आपको सैलरी, रेंट, ब्याज वगैरह से कहाँ कहाँ से कितनी इनकम हुई है और आपने इस बीच क्या क्या बेचा है। अगर आपको लगे कि कोई ट्रांजैक्शन छूट गया है तो उसे ITR फाइल करते वक्त ज़रूर बताया जाए। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, बात करते हैं जमा पर मिला ब्याज। ज़्यादातर टैक्स पेयर क्या करते हैं, अपने दूसरे स्रोतों से हुई आय को ITR में मेंशन नहीं करते हैं, जो कि गलत है। इसमें ब्याज से हुई आय भी शामिल होती है। ध्यान रहे कि आपको बैंक डिपॉजिट या फिर किसी दूसरी योजना में डिपॉजिट से जो आय मिलती है यानी इनकम मिलती है उसे आपको ITR फाइल करते वक्त ज़रूर बताना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप AIS फॉर्म भी देख सकते हैं, उसमें इसकी जानकारी मिल जाएगी। उस फॉर्म में आपके पैन से जुड़े हर ट्रांजैक्शन का पूरा पूरा रिकॉर्ड होता है। अगला पॉइंट है विदेशी एसेट्स की जानकारी देना। तो ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ITR भरते समय आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि विदेशों में आपकी संपत्ति कहाँ कहाँ है, साथ ही किसी विदेशी संपत्ति से हुई इनकम की जानकारी भी आयकर विभाग को आपको देनी ज़रूर है। ऐसे में ज़रूरी है कि ये सारी जानकारी आप पहले से हासिल कर लें और ITR फाइल करते वक्त उसमें इसे ज़रूर दिखाएं। इसके अलावा विदेश में किसी बैंक में रखे पैसों का भी ब्यौरा देना आपके लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं कैपिटल गेन स्टेटमेंट फॉर्म की। तो अगर आपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है यानी इन्वेस्ट किया है तो आपको कैपिटल गेन स्टेटमेंट भी हासिल कर लेना अनिवार्य है। 1,00,000 रुपए से ज़्यादा के लॉन्ग टर्म गेन पर 10% टैक्स लगता है, वहीं दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स लगता है। इस टैक्स की कैलकुलेशन काफ़ी कठिन है, इसीलिए खुद ब्रोकरेज फर्म की तरफ से ही आपके लिए टैक्स कैलकुलेशन की जाती है। आप अपने ब्रोकर से कैपिटल गेन स्टेटमेंट हासिल कर सकते हैं और फिर इसके बाद ITR आसानी से फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है क्रिप्टो से कमाई की। तो जानकार ये मानते हैं कि आयकर रिटर्न भरते वक्त क्रिप्टो एसेट्स से होने वाली कमाई का डिक्लेरेशन बेहद ज़रूरी है। हालांकि क्रिप्टो पर इस साल के बजट में 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया गया, तो ऐसे में सभी ITR फाइल करते समय ये टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपने भी क्रिप्टो में पैसा लगाया है तो 30% टैक्स देकर खुद को सुरक्षित करते हुए भी क्रिप्टो से कमाई की जानकारी आपको देनी जरूरी है। फाइनल फॉर्म में डिडक्शन और छूट चेक किया जाए, ये एक सबसे अहम पॉइंट है, क्योंकि जब आप ITR फॉर्म में सारी जानकारी भर लेते हैं तो उसे एक बार जरूर चेक करें।
जल्दबाजी में टैक्स रिटर्न फाइल ना किया जाए। अब आयकर रिटर्न फॉर्म पहले की तुलना में क्योंकि बहुत आसान हो गया है, प्रोसेस बहुत आसान है, उनमें बहुत सारी जानकारी पहले से ही भरी रहती है। हालांकि कई ऐसी जानकारियां होती हैं तो फॉर्म में वो मेंशन नहीं की जाती, उन्हें चेक करना भी आसान काम नहीं होता। ऐसे में आप किसी टैक्स एक्सपर्ट की ज़रूर मदद लें। आज के समय में बहुत सारे टैक्स पोर्टल भी हैं जो मामूली फीस के बदले आपको ये मदद यानी सर्विस मुहैया कराते हैं। तो 31 जुलाई आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख है। सरकार की इस समय सीमा को आगे बढ़ाने की फिलहाल तो कोई मंशा दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि अब आपके पास आईटीआर भरने के लिए काफ़ी कम समय बचा है। अगर आप पेनल्टी और आयकर विभाग के नोटिस से बचना चाहते हैं तो समय पर अपना आयकर रिटर्न ज़रूर फाइल करें। तो फिलहाल इस खबर पर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट कर सकते हैं। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए जी हिंदुस्तान डिजिटल के साथ।